तो नमस्कार दोस्तों, आ गए हम लोग जनजाति के दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। यदि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने घटना चक्र का रिव्यू करके वहाँ डाला, सार करके डाला है, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं जनजाति की सीरीज बना रहा हूँ, जितनी जनजाति के क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक जीके के फॉर्म में आती हैं वो आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यदि ये मेरा प्रयास पसंद आए तो चैनल पर, यदि पहली बार आएँ तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरा काम पसंद आए तो मुझे कमेंट करके शाबाशी, एडवाइस जो आप समझ जाएँ आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अफ्रीका की जितनी जनजातियाँ हैं, वो मैं पिछली दो कवर कर चुका था, कीकू और जो कीकू अफ्रीका में और जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका में। अब इसके आगे मैं कवर करने जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट जनजातियाँ, ठीक है। तो उसमें से पहली आती है पिगमी, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो पिगमी कहाँ थी, कांगो बेसिन में पाई जाती है, स्पेशली फुलानी, फुलानी जो है नाइजीरिया में पाए जाते हैं, ये सारे अफ्रीका के ही देश हैं, ठीक है। बर्बर जो है उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाती है वो बर्बर होता है, और बांटू जो है वो मध्य और अफ्रीका में पाए, मध्य अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में बांटू पाई जाती है। ब्रुशमैन मैंने बता दिया, कालाहारी होते हैं जो ब्रुश रुश करते हैं, ठीक है, काले पीले हो जाते हैं, वो कालाहारी होते हैं, कालाहारी क्षेत्र में रहते हैं। बोअर जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। मसई जो है कीनिया में पाए जाते हैं, कीनिया और पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं, मसई और हॉटेंटन, हॉटेंटन कालाहारी क्षेत्र बोत्सवाना में पाए जाते हैं। हेमाटाइट्स जो होते हैं वो पश्चिमी उत्तर अफ्रीकी में पाए जाते हैं, और होशा जो है नाइजीरिया में पाए जाते हैं। इतनी जनजातियाँ हैं जो अफ्रीका में पाई जाती हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है, पिग्मी हो गई, ब्रुशमैन हो गई, मसई हो गई, हेमाटाइट्स हो गए। इतनी जनजातियाँ आपसे पेपर में पूछी जाती हैं और पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो इन्हें आप जरूर याद रखिए, ये अफ्रीका की जनजातियाँ, ठीक है। अब इसके बात करके हम लोग अमेरिका की जनजाति, देखिए शीट थोड़ी सी धुंधली है, आप थोड़ा सा यदि कंप्रोमाइज़ कर पाएँ तो वेल एंड गुड होगा, बाकी मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अफ्रीका की जितनी जनजातियाँ, अफ्रीका में कौन कौन सी जनजाति है, पहली तो है रेड इंडियन, जो मैं पिछली बार कवर कर चुका, रेड इंडियन कनाडा और यूएस दोनों में पाई जाती है। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश जनजाति है, ठीक है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। देखिए ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा के ऊपरी वाला क्षेत्र है, वो भी उसी से रिलेटेड और इसी के अधिकार में आता है, इसलिए ग्रीनलैंड इसी में अमेरिका में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बोरो जो है ब्राज़ील का क्षेत्र है, ब्राज़ील में जो जनजाति पाई जाती है उसे बोरो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति मैं बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलियाई जनजाति कहलाती है, ठीक है। माओरी जो है न्यूजीलैंड की जनजाति है, ठीक है। तो अमेरिका की बेसिकली ऊपर की तीन ही चार हैं, ऊपर की तीन जो है अमेरिका की हैं, बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया की जनजाति हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की नहीं हड्डी है, तो ऑस्ट्रेलिया में तीन जनजाति है, माओरी न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा जुड़ा ही हुआ है न्यूजीलैंड भी, ठीक है, तो उसी का क्षेत्र मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एशिया के कुछ देख लेते हैं, तो एशिया में कौन कौन सी है, तो एशिया में जो है पाकिस्तान में अफरीदी, अफरीदी तो आप जानते ही, अफरीदी कौन है, पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान में अफरीदी जनजाति पाई जाती है। आइनू जापान में कवर कर चुका हूँ। कजाक जो है कजाकिस्तान में पाई जाती है, और किर्गिस मध्य एशिया में, बहु अरब में पाई जाती है, और सेमांग तो मैं बता ही चुका हूँ, मलेशिया में सेमांग, विदा श्रीलंका में, तातोर साइबेरिया में, युकाधीर साइबेरिया में बता चुका, पपोदगनी में बता चुका हूँ, ठीक है। यूरोप की भी मैं काफ़ी कवर कर चुका हूँ। तो इस बार क्या हो गया कि अफ्रीका में पिग्मी, अफ्रीका की जनजातियाँ, अमेरिका की तीन जनजातियाँ, ऑस्ट्रेलिया की तीन जनजातियाँ, और एशिया के कुछ जनजातियाँ मैंने कवर कर ली है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जनजातियों से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा अमेरिका में हो चाहे एशिया में हो, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक दो बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। रेड इंडियन बता चुका हूँ, एस्किमो बता ही चुका हूँ, बोरो बता ही चुका हूँ, ठीक है। बिंदु ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देश है, ठीक है, तो उसे बिंदु की तरह भी याद रखते हैं, अरे यार वो निचले में जो नीचे हिस्से में बिंदु है, तो बिंदु कहाँ होगा, बिंदु होता कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया बिंदु की तरह है, तो वैसे ही भी आप याद कर सकते हैं। मयूरी क्या है, न्यूजीलैंड की, तो मयूर के एक पंख की तरह न्यूजीलैंड बना हुआ है, आप नक्शे में देखेंगे तो आप वैसे याद रख सकते हैं कि अरे हाँ मयूर का पंख कहाँ है, नक्शे में नीचे सबसे नीचे है न्यूजीलैंड की तरह, तो वो न्यूजीलैंड की तरह दिखता है मयूरी, ठीक है। बोरो ब्राज़ील में है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं जैसा चाहें। आइनू, आइनू में बताया हो,
कजाक तो याद करने को दिक्कत नहीं है क्योंकि कजाकिस्तान के देश के नाम ही पे हैं, ठीक है। किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और सेमांग तो बताइए, वो बेदाश आपको बता चुका हूँ, श्रीलंका में, ठीक है। युकाधीर शाइबेरिया में, पपुआ गिनी आपको बताइएगा पपुआ में, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें बहुत हैं जनजातियाँ, बाकी हम इंडिया के जनजाति कवर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाएँ। थैंक यू।